हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। अगर ठीक नहीं हो ना ठीक, तो ठीक हो जाओ, हैप्पी रहो। क्योंकि अगर आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस सेंड करोगे, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव बोलोगे, तो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। अगर गलत गलत बातें बोल रहे हो, अपने आप को, अपने पर्सन के बारे में, या उनको नेगेटिव वाइब्रेशंस अगर भेज रहे हो, तो क्या मिलेगा? टेंशन ही मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा, राइट? तो अच्छा सोचो यार, खुश रहो, हैप्पी रहो और अपना ख्याल रखो, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखो। जो आपके पास है उन चीज़ों को महफूज रखो, जो भी नहीं है आपके पास उसको प्यार दो, फगीवनेस दो, ठीक है? चलिए, अभी हम जो रीडिंग कर रहे हैं, अभी इस वक्त जो रीडिंग कर रहे हैं वो करंट फीलिंग्स अपडेट है। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, देखिए जनरल रीडिंग और पर्सनल रीडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, राइट? क्योंकि जनरल रीडिंग में मैं जनरल एनर्जीज कैच कर रही होती हूँ, कलेक्टिव्स की, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल की। तो हो सकते हैं कुछ चीज़ें मैं आपकी बता रही हूँ और कुछ आपके बगल वाले घर पे अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है, तो हो सकता है कुछ बातें उनकी लाइफ की बता रही हूँ। तो ऐसा होता है जनरल रीडिंग में। और पर्सनल रीडिंग क्या होती है, उसमें मैं सिर्फ आपके और आपके पर्सन की या आपकी सिचुएशन को रीड कर रही होती हूँ, तो उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, राइट? तो उसके लिए आप मुझे नीचे रीच आउट कर सकते हो, मेरा नंबर आपको मिल गया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे मुझे आप रीच आउट करो। कॉल मत करो, व्हाट्सएप करो। अभी आप सोचो, अगर मैं दिन में 15-20 रीडिंग्स कर रही हूँ या 10 रीडिंग्स कर रही हूँ, 12 रीडिंग्स, तो कैसे मेरे को वक्त मिलेगा बात करने का फ़ोन पे? क्योंकि अभी मैंने तो ब्रेसलेट भी शुरू कर दिया है। अगर आपने अभी तक ब्रेसलेट्स के लिए इंक्वायरी नहीं की है, एक बार देख लो। अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए, आप ले सकते हो, तो डेफिनेटली लीजिए। आप काफ़ी लोगों के पॉजिटिव फीडबैक्स आए हैं ब्रेसलेट को पहनने के बाद। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके लव लाइफ में, आपके करियर में सब ठीक होने लगे, तो आप नीचे मुझे इंक्वायरी करो। मेरा नंबर नीचे आ रहा होगा या स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा। दोनों अलग नंबर्स है, पर्सनल रीडिंग के लिए अलग नंबर है और ब्रेसलेट के लिए अलग नंबर है, तो मिक्स मत कीजिए, ओके? क्योंकि कल मुझे क्या हुआ, बहुत सारे इंक्वायरी मुझे ब्रेसलेट्स के पर्सनल रीडिंग के नंबर पे आ गए, तो मुझे हेडेक बढ़ जाता है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि ईजी कर लो मेरे लिए, ब्रेसलेट वाले नंबर पर ब्रेसलेट की इंक्वायरी किया करें, ओके? सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं करंट फीलिंग्स। इस वक्त आप दोनों के सिचुएशंस क्या है, आप दोनों में क्या चल रहा है, क्या है आपके पर्सन के फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आपको लेकर, आपके पर्सन के फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या है, आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड हमारे पास है ये, दूसरा है ये और तीसरा है ये, और बॉटम डेक में इस वक्त है नो प्लेस लाइक होम, नंबर 50। तो 5 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, पहली बात तो जो मुझे ओवरऑल एनर्जी लग रही है ना, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, ओके? आप दोनों के लिए एक दूसरे, आप उनके लिए आप और आपके लिए वो क्या है, घर जैसे हो, घर वाली फीलिंग आती है एक दूसरे के साथ, कंफर्टेबल फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, लाइट फील करते हो एक दूसरे के साथ, और आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, ओके? एक एक आप दोनों के अंदर ना एक दूसरे को लेकर खिंचाव फील कर रहे हो, आप उनके तरफ खींचे चले जा रहे हो, वो आपकी तरफ खींच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इस वक्त बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप दोनों में एक दूसरे को लेकर खिंचाव है, एक दूसरे को फील करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, नो प्लेस लाइक होम। या आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया कि आप उनके लिए होम जैसी फीलिंग हो, आपके साथ रहना उनके लिए कंफर्टेबल है, वो काफ़ी होमली और लाइवली फील करते हैं आपके साथ। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिल्क एंड हनी, नंबर 51। तो 6 नंबर भी आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, टू द सी नंबर 7 कुछ सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, और आखिरी कार्ड है पॉइज्ड 48। तो 8+4 होता है 12, 2+1 होता है 3, तो 3 भी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ओके? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप जिनसे डील कर रहे हो, ये कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, मे बी आपसे बात करने के बारे में, या कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं आपके लिए, या पहली बात तो बता दो, काफ़ी अच्छे मूड में है जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन काफ़ी अच्छे माइंडसेट में, काफ़ी हैप्पी और रेडी है, दे आर बीइंग, दे हैव बिकम रेडी,
इस रिश्ते के लिए, आपके पास आने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी माइंडसेट में, आई एम रेडी इस टाइप की माइंडसेट में। और आपको भी हमेशा ऐसा ही सोचना चाहिए। अगर आप इस किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपने लाइफ में लाना चाहते हो ना, पहले तो आपको खुद को हील करना है और आपको हमेशा यूनिवर्स को बोलना आई एम रेडी, ब्रिंग दैट पर्सन बैक इन माई लाइफ। ओके, तो तब क्या होता है, यूनिवर्स आपके कमांड्स को मानती है और उस पर्सन को अपने लाइफ, आपके लाइफ में जल्द से जल्द ले आती है। ओके, दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये पर्सन दूर होकर कुछ सोच रहे हैं, मे बी आपसे दूर है और दूर रहकर ही कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। और जितना दूर ये आपसे रहे हैं उतनी ही इनकी फीलिंग्स बढ़ी हैं आपको लेकर, उतना ही उन्हें आपकी याद आने लगी है, उतना ही वो आपको मिस करने लगे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे वो फीलिंग, वो एनर्जीज दिख रही है जहाँ पे आपके पर्सन आपसे दूर गए और उनको रियलाइज़ होने लगा आपकी वैल्यू, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने प्रेशियस हो, ये चीज़ें इन्हें रियलाइज़ होने लगी। ओके, क्यों हुआ? क्योंकि आप इनसे दूर हो गए, क्योंकि आपने इनसे दूरी बना ली या इन्होंने आपसे दूरी बना ली और ये दूरियों ने ही इन्हें आपके करीब लाया। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए ये डेफिनेटली मुझे रेडी दिख रहे हैं, बस सही टाइम का वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। किसी किसी के लिए मे बी नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका कॉल मैसेज आ सकता है, किसी किसी के लिए नेक्स्ट 7 आवर्स में, किसी किसी के लिए नेक्स्ट 6 आवर्स में। ओके, ये कुछ प्लान कर रहे हैं एंड रेडी है कि ये आपके तरफ आए और कुछ आपको ऑफर करे। एस ऑफ वॉन्ट्स क्लैरिफाई कर रहे हैं मिल्क एंड हनी को, जैसे मैंने कहा कि वो रेडी है और अच्छी साइड देख रहे हैं, अच्छे जो क्या अच्छा हो सकता है, कैसे ये नई शुरुआत हो सकती है आपके साथ। एस ऑफ वॉन्ट्स क्या दर्शाता है? एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट, एक ब्रांड न्यू जर्नी, एक नई शुरुआत। और ये कब होगा? जब वो अच्छा सोच रहे हैं, तो वो अच्छा सोच रहे हैं। ओके, तो इसी वजह से वो एस ऑफ वॉन्ट्स ऑफर करना चाहते हैं आपको, राइट? नेक्स्ट कार्ड जो है सी एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दो एसेस की एनर्जी आई अभी तक, ये जेमिनाई लिब्रा और अक्वेरियस है जो टू द सी को क्लैरिफाई कर रहे हैं। जितना इन्होंने आपसे दूर रहे, जितना इनके और आपके बीच में दूरियां बनी, उतनी ही इनकी आपसे कम्युनिकेट करने की, आपके पास आने की, एक नई शुरुआत करने की इच्छा बढ़ी। ओके, और ये चाहते हैं एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना और सब चीज़ें ठीक कर देना। लास्ट कार्ड जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। देखिए, अभी तक ये पर्सन इस रिश्ते से भाग रहे थे, या तो कोई मजबूरी थी, हो सकता फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, या करियर को इंपॉर्टेंस देना था, वक्त देना था, या कुछ इनके करियर में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, या इनके ज़िंदगी में कुछ बाकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, जिसके वजह से ये कॉन्फिडेंट इनफ फील नहीं कर रहे थे, बट अब ये कॉन्फिडेंट है। ओके, तो ये उस एनर्जी से निकल आया है जहाँ पर इनको चीज़ें ऐसे लग रही थी कि यार ये नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स नॉट लाइक दैट्स नॉट पॉसिबल, ऐसी फीलिंग इन्हें आ रही थी। ओके, आगे बढ़ते और हमारे जो हैंड रिटन कार्ड्स हैं उनसे भी देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच की सिचुएशंस क्या है। ओके, पहला जो कार्ड आया है वो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, देख लीजिए आपके पर्सन का या आपका इनिशियल है क्या, या तो निकनेम हो सकता है, निकनेम का इनिशियल हो सकता है। मैं एक बार बता देती हूँ, सी जे के एन आर टी वी वाई ई जी हो सकता है, मेरी ये एकदम टॉप नॉच हैंडराइटिंग आपको समझ में ना आए या समझ में आ जाए, जो भी है इसीलिए मैंने बताया। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे डोमिनेंस। देखिए, मुझे लगता है आपके पर्सन में भी बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी है, मे बी वो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, सिचुएशन को अपने हिसाब से डोमिनेट करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है फैमिली इशूज़, या मैंने बोला मे बी ये ऐसे फैमिली में रहते हैं जो डिफ़िकल्ट फैमिली है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फैमिली डिफ़िकल्ट होती है या फैमिली ऐसी होती है वैसी होती है, बट किसी किसी की फैमिली यू नो सिचुएशंस ठीक नहीं होते, या हो सकता है कि बहुत लोग रहते हैं घर में तो यू नो बर्तन बचते ही है, अगर बहुत लोग रह रहे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े ये होते रहते हैं। अगर नहीं भी है इनकी बड़ी फैमिली, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ इनकी अनबन हो जाती है, फैमिली इनकी इनको समझ नहीं पाती है, या ये फैमिली को समझ नहीं पाते हैं, या फिर शादी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, मे बी वो आपके बारे में उन्होंने बताया और उनकी फैमिली नहीं मान रही है, वो अपने फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है इस रिश्ते की वजह से, हो सकता है आपके घर में पता चल गया हो या उनके घर में पता चल गया हो। व्हाट मोर क्लैरिटी, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे लगता है क्लैरिटी नहीं है इस वक्त,
ओके हो सकता है कि उनका बिहेवियर आपको समझ में नहीं आ रहा है या वो ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, काफ़ी अनक्लियर सिचुएशंस है आप दोनों के बीच की. ओके तो आप चाहते हो कि क्लैरिटी आ जाए और मुझे लगता है बहुत ही जल्द आप दोनों के रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी. गिफ्ट्स हो सकता है कि किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो और ये जल्दी आपके लिए कोई गिफ्ट भेज रहे हो या गिफ्ट देना चाह रहे हो आपको. ओके सो मैंने जैसा आपको पहले भी बोला ना, ये कुछ रेडी कर रहे हैं, मे बी प्लान कर रहे हो अगर आप दोनों का जल्द ही बर्थडे आ रहा है या एनिवर्सरी आ रहा है या कुछ ऐसा. और लास्ट जो कार्ड है वो है 156 मंथ्स. तो हो सकता है ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो या फिर इतने मंथ्स पहले कुछ हुआ था या इतने मंथ्स हो गए हैं आपको बात किए हुए या इतने मंथ्स के बाद कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है. एंड बॉटम में इस वक्त है एज डिफरेंस. हो सकता है आप दोनों आप दोनों में एज गैप हो, या तो कम है या तो बहुत ज़्यादा एज गैप. तो ऐसे भी मुझे सिचुएशंस काफ़ी लोगों के लिए दिख रही है. ओके ओके आगे बढ़ते हैं और ओरेकल से देख लेते हैं कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है. यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच में. सर कन्फ्रंट नंबर 18. तो हो सकता है 1+8 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ हो या डेट हो. देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन अपने शैडो साइड को फेस कर रहे हैं. ओके मे बी इनके अपने कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, इनके अपने कुछ डर है, इनके अपने कुछ चीज़ें हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं, अपने शैडो साइड को, अपने डर को, अपने इनसिक्योरिटीज़ को, अपने गिल्ट को, ठीक है, ये फेस कर रहे हैं अभी. ओके या कर चुके हैं और ये अब क्योंकि इनका माइंडसेट क्लियर हो चुका है, ये अभी आपको फेस करना चाहते हैं. मे बी आपके सामने आके आपसे चीज़ें क्लियर करें, कन्फ्रंट करना चाहते हैं, आपके सामने आके चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं. पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ बॉटम डेक में इस वक्त है लिसन. हो सकता है आप कुछ कन्फ्रंट करना चाहोगे इनसे या आप कुछ कन्फ्रंट करोगे और ये सिर्फ सुनेंगे. ओके या ये अपने विजडम को सुन रहे हैं इस वक्त, ये अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपना इंट्यूशन इनको जो बता रहा है वो उसको सुन रहे हैं. नंबर 2 है. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला कार्ड तो हो गया, दूसरा है रिफ्यूजिंग टू सी. नंबर 2 सी शैडो साइड को हम जब फेस कर रहे होते हैं ना, ये क्यों होता है पता आपको? जब हमें ज़रूरत है कि हम अपने डर को, हमारे फियर को, हमारे डाउट को फेस करें. हो सकता है ये पर्सन आपके प्यार को, आपके होने को, आपके इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू को देख नहीं रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है. तो जब ये जब इन्होंने अपने शैडो साइड को फेस कर लिया, तब इनको जो चीज़ें वो नहीं देख पा रहे थे, आपका होना और आपका ना होना कितना फ़र्क है उस चीज़ में, या आपकी क्या वैल्यू है उनके ज़िंदगी में, अगर वो उस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे, वो अब उस चीज़ को भी देखने लगे हैं. ओके वो उन चीज़ों को देखने लगे, जानने लगे, पहचानने लगे जो वो अभी तक अवॉइड कर रहे थे. बॉटम में सोलर प्लेक्स चक्र नंबर 3. देखिए मुझे लगता है ये पर्सन और आपके बीच की, मुझे लगता है काफ़ी समय से यू हैवंट स्पेंड टाइम विथ ईच अदर, या फिर कभी मिले ही नहीं हो, या फिर मिले हो तो बहुत कम मिलना हुआ है रीसेंट पास्ट में. एंड दे वांट एनी इंटीमेसी विथ यू. मैं कोई और चीज़ की बात नहीं कर रही, मैं बस ये बात कर रही हूँ कि वो आपके साथ वक्त बिताना चाहते, प्राइवेट टाइम बिताना चाहते. ओके सो वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्स चक्र, क्योंकि सोलर प्लेक्स चक्र हमारे इंटीमेसी से इंटीमेट रिलेशनशिप्स इंटीमेसी से डील करता है. तो रीड अबाउट इट, आप गूगल करिए और चीज़ें उनके उसके बारे में जानिए. फिर से सोलर प्लेक्स चक्र है तो मैं उसको नहीं लूँगी, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है, कौन सा कार्ड है, यहाँ पे है ट्रस्ट नंबर 0. देखिए मुझे लगता है कि आप दोनों में ट्रस्ट की कमी है, या तो इस पर्सन को इस रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं है, इस रिश्ते के फ्यूचर पे ट्रस्ट नहीं है, अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए तो ये अपने शैडो साइड को फेस कर रहे थे. ओके क्योंकि इनको ट्रस्ट नहीं था, ये यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, आप दोनों के रिश्ते के फ्यूचर पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे. तो वो ट्रस्ट करना सीख रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं. एंड बॉटम में है टेक द लीड नंबर 3. देखिए ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वक्त लीड लेने के लिए तैयार है इस रिलेशनशिप में. ओके स्टैंड लेने के लिए, लीड लेने के लिए तैयार है. उनको गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप लीड लो, आपके लिए अभी ज़रूरी हो गया कि आप इस सिचुएशन को आगे बढ़ाओ. ओके सब चीज़ें अपने आप नहीं होगी, आपको लीड लेना होगा, इस तरह से यूनिवर्स इनको गाइड कर रहा है. आगे बढ़ते हैं और हमारे टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ. ओके नाउ बेटर. चलिए आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड से थोड़ा डीपली देख लेते हैं इस वक्त क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, क्या फील कर रहे हो, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, क्या चल रहा है.
हाई प्रीस्टेस पाइसीज एनर्जी है। मे बी आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इस वक्त काफ़ी इंट्यूशन उनका स्ट्रॉन्ग है, या आप बहुत इंट्यूटिव हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनाई लीब्रा और एक्वेरियस। यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली लक भी साथ दे रहा है, लक फेवर कर रहा है। मजिशियन जेमिनाई, तीन कार्ड्स उनके नेक्स्ट एक्शंस के लिए। उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे? सेवन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो, सेवन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड आखिरी कार्ड जो है वो है फोर ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड बॉटम डेक में सेवन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैगिटेरियस। ओके, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। भगवान, एंजल्स, यूनिवर्स, जिस भी शक्ति पे आप बिलीव करते हो ना, वो उन्हें एहसास दिला रहे हैं कि उन्हें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। वो जो कर रहे हैं वो गलत है, उनका तरीका गलत है, उन्हें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, उन्हें चीज़ों को सही करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने इंट्यूशन को आप फॉलो करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आया था ट्रस्ट एंड यहाँ पे आया है हाई प्रीस्टेस। ओके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन अब आपके लिए स्ट्रगल फाइट करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी स्ट्रगल्स हो उनको फेस करना चाहते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को वो लांघ कर आपके पास आना चाहते हैं, चाहे फैमिली इश्यूज हो या कुछ और हो, वो उसको नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्हें इस वक्त में जो ये आपसे दूर रहे हैं, इस वक्त में उनको आपकी वैल्यू समझी है, आपकी इम्पोर्टेंस इस इंसान को समझी है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अब रेडी है। जैसे मैंने शुरुआत में क्या बोला था, ये पर्सन रेडी हो चुके हैं आपके लिए, आपके प्यार के लिए। ओके, इनके अंदर मुझे एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन और रेडीनेस दिख रही है, सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। अपने तरफ से जो कुछ करना कर सकते हैं वो करना चाह रहे हैं और करने वाले भी हैं। ओके, जो इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग था, अभी तक आप प्यार दे रहे थे, आप कॉल्स करते थे, आप मैसेजेस करते थे, आप मिलने की बात करते थे, बट अब ये सब चीज़ें उनके तरफ से आएगी, अब वो आपको अपने तरफ से एफर्ट्स डालना शुरू कर देंगे। ओके, कहीं ना कहीं लक इस मामले में उनको फेवर करेगा ताकि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते को एक मौका मिले। यूनिवर्स इंटरवेंशन हो रहा है आपके लव लाइफ में, यूनिवर्स ही चीज़ें अपने हाथ में लेके आगे बढ़ा रहा है सिचुएशन को। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इस पर्सन को, आप प्रे कर रहे थे, आप कुछ टेक्निक्स अप्लाई कर रहे थे कि ये पर्सन आपके पास आ जाए। मे बी काफ़ी लोगों ने मेरे ब्रेसलेट्स भी यूज़ कर रहे हैं आप लोग, तो कुछ तो ऐसा हो रहा है ना जिसकी वजह से इस पर्सन को बार बार आपकी याद दिलाई जा रही है। इनको आ नहीं रही है, इनको आ तो रही है नॉर्मली, लेकिन और ज़्यादा उसको एम्प्लीफाई कौन कर रहा है? यूनिवर्स, एंजल्स। एंजल्स चाहते हैं कि आप दोनों को एक मौका मिले, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। ओके, एंजल्स चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बेटर हो, ब्यूटीफुल हो, बट ये पर्सन मुझे लगता है कि डर रहे हैं इनके अंदर मुझे, क्योंकि नेक्स्ट एक्शंस जो मैं देख रही हूँ ना, इनको आपकी वैल्यू तो समझ में आ रही है, वो आपकी जगह आपको देना चाहते हैं, जो यू नो जो इम्पॉर्टेंट जगह उन्होंने आपको अपनी लाइफ में ऑलरेडी दे रखी है, वो जगह वो आपको देना तो चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं। उनको लग रहा है आप रिजेक्ट कर दोगे, आप गुस्सा कर दोगे, आप ब्लॉक कर दोगे, या जितना एटलीस्ट वो आपको देख पा रहे वो भी नहीं देख पाएंगे, चीज़ें ख़त्म ही हो जाएगी हमेशा के लिए आप दोनों के बीच में। ये डर है उनके अंदर, डर इस बात का है कि यार सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, सब कुछ एकदम यू नो तहस नहस ना हो जाए सिचुएशन। और मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ ठीक ही नहीं होने वाला है, कुछ सही नहीं होगा, ऐसे माइंडसेट में है ये पर्सन, जो कि गलत है। मुझे नहीं लगता इनको ऐसा सोचना चाहिए, ये बिल्कुल गलत सोच है। ऐसा सोचेंगे तो फिर चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगी, राइट? साइंस बता दूंगी मैं आपको, सारे ही साइंस हैं यहाँ पे, कोई ऐसा अलग साइन नहीं है, यहाँ पे सारे ही साइंस हैं। यहाँ पे जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी है, टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉन भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी, और एरीज लियो और सैगिटेरियस भी है। स्पेसिफिकली पाइसिस है, टॉरस है, और यस ये दो साइंस
ज़्यादातर दिख रहे हैं। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो अट्रैक्शन, आपके लिए जो प्यार, आपकी तरफ जो खिंचाव है ना इस पर्सन का, वही इनको बार 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 आपकी तरफ खींच के ला रहा है। आपका अट्रैक्शन, आपकी दीवानगी इस पर्सन के सिर पे इस तरह से सवार है कि पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, हर सिचुएशन से लड़ना चाहते हैं, चाहे कास्ट इशू हो, फैमिली इशू हो, वो लड़ना चाहते हैं। ओके, और वो लड़ेंगे आखिरी तक। मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच की स्टक सिचुएशन को मूवमेंट यूनिवर्स दे रहा है। ओके, आप दोनों के बीच में अटकी हुई सिचुएशन है ना, उसको यूनिवर्स धकेल रहा है ताकि सिचुएशंस आगे बढ़े। ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए तो पहले इनकी तरफ से जो एक्शन आएगा वो कम्युनिकेशन होगा, कॉल मैसेज करेंगे। ओके, और ये मुझे लगता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कॉल और मैसेज। काफ़ी लोग यहाँ पे कॉल और मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे थे। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन चाहे ना चाहे ये इनके तरफ से अपने आप से हो जाएगा। ये भले डरे आपसे कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट कर दोगे, बट फिर भी इनकी तरफ से कॉल आ जाएगा आपको। ओके, चीज़ें इनके हाथ में रही नहीं है, चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में चली गई है, एंजल्स के हाथ में चली गई है, एंड ये लीड लेंगे। चाहे इनको अभी कुछ भी लग रहा हो, गुस्सा, फ्यूचर को लेकर कुछ भी फील हो रहा हो इनको, ये खुद आएंगे। चलिए आपके लिए एक मूनोलॉजी से एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं और फिर लव मैसेजेस देखेंगे। ओके, आपके लिए मूनोलॉजी से जो एडवाइस है वो न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सी, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ। सो उसके लिए आपको क्या करना है, तैयार रहना है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो आपको गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से सिचुएशन से डील करना है, प्यार लाना है सिचुएशन में। ओके, प्यार से डील करोगे, प्यार से सोचोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। पहला मैसेज जो है वो है, मेरा हर रास्ता सिर्फ तुम तक जाता है। नेक्स्ट मैसेज जो है वो है, तुमसे मिलने को बेकरार हूँ। नेक्स्ट मैसेज जो है वो, प्लीज़ शक मत किया करो। नेक्स्ट मैसेज है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और आखिरी मैसेज जो है वो है, बस एक बार तुम्हारी आवाज़ सुननी है। बेहतरीन मैसेजेस आए हैं आपके लिए। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? मैं श्योर हूँ आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और अगर ऐसी वीडियोस और पाने हैं आपको, हमारे मिस्टिक टैरो वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और किसी एक ज़रूरतमंद इंसान से इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको गाइडेंस मिले, वो कुछ अच्छा सीख पाए इस वीडियो से, और उनके रिलेशनशिप में अगर चीज़ें बेहतर हुई तो आपको दुआ देंगे और उसी दुआ से आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।